हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी। जब आपके घर में कोई भी सब्जी ना हो तो इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम ये सेव टमाटर की सब्जी बनाना। सेव टमाटर की सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। देखिए, कढ़ाई में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। फ्रेंड, आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे जीरा लिया है फ्रेंड, और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून राई लिया है फ्रेंड। इसे हम डाल देंगे, थोड़ा सा चटकने देंगे इन्हें। अब साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 3 से 4 कड़ी पत्ते डाल देंगे, और यहाँ पे बारीक कटे हुए लहसुन मैंने 7 से 8 लहसुन को बारीक काट लिया है, अदरक को बारीक काट लिया है 1 इंच, और यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च को काट लिया। अब इसे हम डाल के कुछ सेकेंड तक भून लेंगे फ्रेंड्स। तो भून के अच्छी तरह से भून जाएंगे, तो अब हम इसमें डाल देते हैं हींग। हींग डाल के हम कुछ सेकंड तक इसे पका लेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसका फ्लेवर बढ़िया से आ जाए। तो अब डाल देते हैं हमें बारीक कटे हुए प्याज फ्रेंड्स। तो प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए फ्रेंड। अब मैं इसमें डाल देती हूँ फ्रेंड सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च को मैंने तोड़ के डाल दिया फ्रेंड। जब तक हमारे प्याज भून रहे हैं तब तक हम मसाले तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं फ्रेंड्स एक मैंने बाउल ले लिया है। बाउल में 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 धनिया पाउडर, यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स, और 1 चम्मच जीरा पाउडर लेके हम अच्छी तरह से सारे मसालों को पहले सूखे ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के अच्छी तरह से मसालों का घोल बना लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के अच्छी तरह से हम मसालों का घोल मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। मसालों का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, और इधर हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इनमें मसालों वाला पेस्ट डालेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने डाल दिया है, और साथ ही मैंने 1/4 कप पानी भी डाल देती हूँ। बाउल में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था फ्रेंड। अब हम मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक इनमें से घी या तेल अलग नहीं हो जाते। मसालों को जितना अच्छे से भुनेंगे ना फ्रेंड्स, उतना अच्छी टेस्टी सब्जी बन के हमारी तैयार होगी फ्रेंड्स। अब हम इनमें डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर को बारीक काट लिया है फ्रेंड्स। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पे नमक भी डाल दूँगी फ्रेंड्स। तो मैं पूरी सब्जी के हिसाब से नमक डाल रही हूँ, आप ग्रेवी के हिसाब से ही नमक डालिए, क्योंकि सेव में नमक होता है सिर्फ, इसलिए आप ग्रेवी के हिसाब से ही नमक डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम टमाटर को 3 से 4 मिनट तक ढक के पकाएंगे फ्रेंड्स, लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो इसे हम मैं ढक देती हूँ। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए फ्रेंड्स, ये देखिए। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक पीसा हुआ। मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर को मिक्सी में चला लिया फ्रेंड्स। आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसे डाल के मैं 3 से 4 मिनट के लिए और पकाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर फ्रेश दही लिया है फ्रेंड, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही हमारी बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। दही डालने से एकदम क्रीमी टेक्स्चर आता है सब्जी का, और टेस्ट भी बढ़ जाता है फ्रेंड। दही को हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ताकि, और फ्लेम को मीडियम रखिए फ्रेंड्स, और ग्रेवी को हमें 2 से 3 मिनट दही डाल के मिक्स कर लूँगे फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे, और साथ ही साथ 1 चम्मच गर्म मसाला, और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच चीनी डाल देंगे फ्रेंड्स। तो आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, आप चीनी डालना स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने मिक्स कर दिया है तीनों चीज़ों को। अब हम इसमें पानी डालेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने लगभग 1/4 कप पानी डाल लिया है फ्रेंड। पानी अच्छे से डालिएगा फ्रेंड, क्योंकि सेव डालने के बाद जो सब्जी है हमारी गाढ़ी हो जाती है। पानी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे फ्रेंड। उबाल आने के बाद भी हम पानी को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बढ़िया से पानी को अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 बाउल में मोटी वाली बेसन की सेव लिए फ्रेंड्स। तो इस तरह की सेव इस्तेमाल करेंगे ना फ्रेंड्स, तो सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। बाकी आप कोई भी सेव ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसे मैं अब डाल देती हूँ अच्छी तरह से डाल के, और साथ ही साथ हम फ्रेश हरा धनिया भी डाल देंगे फ्रेंड्स, और डाल के हमें इसे 1 या 2 मिनट के लिए पकाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पका लिया। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे जैसे सब्जियां ठंडी होती जाएंगी, वैसे वैसे सब्जी सेव की गाढ़ी होती जाएगी। इसके लिए फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग से ही सब्जी को गाढ़ी मत रखिए फ्रेंड्स। इस सब्जी को आप बाजरे की रोटी, भाकरी या चावल की रोटी या सिंपल रोटी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके फ्रेंड।